हजार से 60,000 हो रहे हैं। आगे दे रखा है अपने को फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स 9 लाख से 12 लाख रुपए हो रहा है, इन्वेंट्रीज 1 लाख से 2 लाख रुपए हो रहा है। उसके बाद अपने को दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 से 3,10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3,70,000 से 3,40। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग टू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 एंड इट्स ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट्स 1,20,000। तो ये अपने को दे रखा है। नाउ वी आर प्रोवाइडेड विद दिस इन्फॉर्मेशन, अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अब इसका बनाते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। लेट्स प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला पार्ट आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख देंगे हेडिंग। पहले पार्ट की हेडिंग लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और यहां पे आएगा अपना सेकंड पार्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड तीसरा पार्ट आता है अपना कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन हिस्से बन जाएंगे अपने। फिर वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। कौन सा वर्किंग नोट बनाएंगे अपन? यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। कैलकुलेशन करेंगे एनपीबीटी का। एनपीबीटी की कैलकुलेशन करने वाले तो अपन ने फॉर्मेट वॉर्मेट सब कुछ तैयार कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को फॉर्मेट तैयार करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे क्या आता है, हेयर कम्स योर एनपीबीटी, एनपीबीटी आता है। फिर आता है यहाँ पे एडजस्टमेंट्स फॉर, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट्स आते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के। यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करना है एनपीबीटी का। एनपीबीटी के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अपन ने देखा अपने पास क्या दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या दे रखा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, टिक लगाना मत भूलना। रिजर्व्स एंड सरप्लस पीएनएल अकाउंट दे रखा है अपने को। तो 4 लाख से 3.5 लाख हो रहा है, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस अपना 2018 में है 3,50,000, वेरेस इन 2017 वो कितना है 4 लाख। तो क्लोजिंग पीएनएल कितना है 350, ओपनिंग है 4 लाख। तो यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग एसपीएल 3,50,000, लेस कर दो इसमें से ओपनिंग एसपीएल जो कि अपने को दे रखा है 4 लाख रुपए का। तो यानी कि देर इज अ लॉस, और लॉस कितना है, बैलेंस कितना है, डेफिसिट आ गया। बैलेंस आ रहा है एसपीएल का 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया। 50,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया। हाय गाइस, 50,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया, 50,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया। आ रखा है। उसके बाद अपन देखते हैं यहां पे और कुछ ऐसा दे रखा है जो इसके अंदर ऐड हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। दो देर इज नथिंग, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट जो इसमें जाके ऐड हो जाए ना। तो यहां पे टी आई पी पी कुछ भी नहीं है,
ना तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, नहीं है। आई से इंटरिम डिविडेंड नहीं दे रखा, पी से प्रपोज डिविडेंड नहीं दे रखा, पी से प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दे रखा, टैक्स के बारे में भी कुछ भी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो योर एनपीबीटी 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव एनपीबीटी आ गया। यहाँ पे एनपीबीटी लिख देंगे 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव आ गया एनपीबीटी, समझ आया? 50,000 नेगेटिव एनपीबीटी आ गया। NPBT लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर वन लिख देना, मेंशन कर देना वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन 50,000 NPBT नेगेटिव आ गया, NPBT नेगेटिव आ गया 50,000 का। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया पूरा। दूसरा क्या बोलता है, पहला क्या था, फॉर्मेट तैयार करना। सेकेंड क्या बोला था, NPBT कैलकुलेट करना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ठीक है, अपने को क्या करना है यहाँ पे, एडजस्टमेंट्स पूरे करने। पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अपन ने 36,000 का इंटरेस्ट पे किया, 36,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो 36,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 36,000 ऐड हो जाएगा। सर ये ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों है, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, भाई ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगी, हमसे थोड़ी माइनस होगी, या हमसे माइनस नहीं होनी चाहिए, हमारे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होती, इसलिए हमारे नॉर्मल बिजनेस में इसको ऐड बैक कर दिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विल बी 36,000 शोन एज नेगेटिव आइटम इन योर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसको एज ए नेगेटिव आइटम शो कर दिया जाएगा। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, क्या आ गया, अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 36,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया अपन ने। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को एक बार देख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 350 से 440 हो गए, 350 से 440 हो गए, तो कितना हो जाएगा 90,000 का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपन ने ले लिया 90,000 रुपये प्लस, 90,000 प्लस आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 90,000 का और हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑप्टेन कर लिया है, 90,000 का और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने ऑप्टेन कर लिया है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने ले लिया है 90,000 का, तो इसको टिक लगा दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को टिक लगा दो, जो होता जा रहा है उसे टिक लगाते जाओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 90,000 से आपने और ले लिया है, उधारी ले ली है आपने 90,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अच्छा इसको दोनों जगह दिखा दिया, चेक कर लो ये एडजस्टमेंट दोनों जगह आ गया, 36 दोनों जगह आ गया इसका। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 120, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को ढूंढो, 12 लाख और 9 लाख क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो क्या बनता है, ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट होता है तो अकाउंट बनाना पड़ता है। 9 लाख ओपनिंग, 12 लाख क्लोजिंग, 1/20 का डेप्रिसिएशन है। अकाउंट बनाते हैं टेंजिबल एसेट्स का, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 9 लाख रुपए बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। सो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन 1,20,000, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपन यहाँ पे, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाएगा, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाएगा, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 13,20,000, 13,20,000, 13,20,000 आ जाएगा, 13,20,000, 13,20,000 आ गया, 13,20,000, 13,20,000 आ जाएगा,
ये आ गया 13,20,000, 13,20,000, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13,20, यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक परचेस, नीचे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक परचेस ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक परचेस ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा, 13,20 में से 9,00,000 हटाएंगे तो कितना होता है, 4,20,000, तो दिस अमाउंट विल बी 4,20,000, दिस अमाउंट विल बी 4,20,000, सो हेयर वी गॉट द अमाउंट 4,20,000, 4,20,000 आ गया, 4,20,000 का आपने क्या कर लिया, 4,20,000 का आपने परचेज कर लिया, कितने का परचेज कर लिया, 4,20,000 का आपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग को तो इग्नोर कर देंगे, एडजस्टमेंट होगा डेप्रिसिएशन का और बैंक का, तो डेप्रिसिएशन 1,20 और बैंक से परचेज करें 4,20, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 1,20,000। डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड कराए, क्योंकि सर ये नॉन कैश आइटम है, क्या डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, नो, डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मगर इसकी वजह से कैश नहीं जाता है, आज ये पेन पुराना हो गया है मगर इसमें कैश नहीं लगा है मेरा भाई, मैंने जब खरीदा था तभी पेन के ऊपर पैसे देके आ गया था, अभी थोड़ी इसके अगर ये घिसता जा रहा है आगे से तो डेप्रिसिएशन लग रहा है इसके ऊपर, कोई इसकी वैल्यू वो थोड़ी हो रहा है कि कैश मेरे को इसमें डालना थोड़ी पड़ता है, तो कैश थोड़ी जा रहा है, तो इट्स अ नॉन कैश आइटम बट इट्स अ ऑपरेटिंग आइटम, ये एक ऑपरेटिंग आइटम है, समझ रहे हो, तो किसी भी चीज पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी वजह से कैश नहीं जाता है, कैश एक ही बार चला गया था तभी हमने उसे फिक्स्ड एसेट बोला, अब आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसीलिए उसको ऑपरेटिंग आइटम कहते हैं, मगर वो नॉन कैश आइटम है इसलिए उसको ऐड बैक कर दिया, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे पीएनएल नहीं बना रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसलिए उसको ऐड बैक कर दिया यहां से अपन ने, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वो कैश तो है, कैश तो जा रहा है बट वो नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दी और हमने यहां पे उसे ऐड बैक कर दिया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, इसलिए नॉट पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट बिजनेस, ये इसके साथ टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट का अकाउंट क्लोज हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ऊपर से टिक लगा दो ताकि याद रहे कि भाई ये तीनों पूरे हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है, एक ही आइटम था बट ये हो चुका है पूरा, और आपने 4,20,000 की मशीन खरीदी है, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 4,20,000 रुपए, क्योंकि इसको खरीदने की वजह से आपका कैश गया, इसको खरीदने की वजह से आपका कैश गया, इसको खरीदने की वजह से आपका आपकी जेब से कैश गया, यू हैव लॉस्ट योर कैश, जो आपके पास कैश पड़ा था वो इसके खरीदने की वजह से चला गया है, यू लॉस्ट योर कैश, आपकी कैश चला गया इसको खरीदने की वजह से, इसलिए माइनस कर दिया इसको, नेगेटिव में दिखाएंगे। अब इसके साथ आपके सारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए, दोनों एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए, जैसे एडजस्टमेंट्स पूरे हो जाएंगे आप इसके ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा टिक कि हाँ ठीक है ये पूरा हो गया, अब आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे करने, ठीक है, जो जो पॉइंट्स रह गए उन पॉइंट्स को, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, तो चौथा एडजस्टमेंट मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, और स्टार्टिंग से देखेंगे ताकि एक भी आइटम रह ना जाए हमारा यहाँ पे, स्टार्टिंग से हमें यहाँ पे कंसिडर करना है ताकि एक भी आइटम रह ना जाए, तो सबसे पहले देखेंगे शेयर कैपिटल, 8,00,000 से कितना हो रहा है 12,00,000, तो यहां आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा कितना 4,00,000 रुपए, 4,00,000 के आपने शेयर्स इशू कर दिए, 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 तो 4,00,000 के शेयर्स इशू हो चुके हैं यहां पे, 4,00,000 के शेयर्स इशू हो चुके हैं, 4,00,000 के शेयर्स इशू हो चुके हैं यहां पे, ये आइटम हो गया खत्म, इसको टिक लगा दो। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने से कितना हो रहा है 50,000 से 60,000, ट्रेड पेबल्स टिक लगा देते हैं, ट्रेड पेबल्स 50,000 से 60,000, यहां पे आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड करते हैं अपन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, याद करने का तरीका करंट एसेट्स डायरेक्ट चल, करंट लाइबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशन, करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन, ऐसे करके याद कर सकते हैं, लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज
एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इस आइटम को लेस कर देंगे। हाय ऋषभ, अब देखिए इसमें क्या रखा है, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो यहां जाएगा ट्रेड पेबल्स 10,000, ट्रेड पेबल्स 10,000 रुपीस, ट्रेड पेबल्स 10,000 रुपीस, तो 10,000 का ट्रेड पेबल्स आ गया, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको टिक लगा दिया। ये पूरा हो ही चुका है, अब सिर्फ करंट एसेट्स बची है, सिर्फ तीन आइटम्स बचे हैं, बाकी खत्म। और जिसमें भी तो एक आइटम तो कैश है जिसको अपन दिखाएंगे ही नहीं, कैश तो लास्ट में एडजस्ट होने के लिए जाता है। इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री आपकी 1,00,000 से कितनी हो रही है, 2,00,000 रुपए की। इन्वेंट्री आपकी 1,00,000 से कितनी हो रही है, 2,00,000 की, तो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, नीचे आ जाएगा इन्वेंट्रीज 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की इन्वेंट्री आ गई, यहाँ पे नेगेटिव दिखा देना, शो इट एज अ नेगेटिव आइटम, 1,00,000 रुपए की इन्वेंट्री, शो इट एज अ नेगेटिव आइटम। आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, 2,30,000 से 3,10,000, तो 2,30 से 3,10 यानी कि कितना हुआ डिफरेंस, 80,000 का, 80,000 का रहे ना, 80,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2,30 से 3,10, 70 ये 10 ये, तो हो गया 80,000, 80,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो कहां जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, 80,000 नेगेटिव आइटम, नेगेटिव आइटम में दिखा देना ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये हो गया खत्म, नेगेटिव आइटम खत्म, कंप्लीट, यस सर कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन विद दिस एंड दिस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स छोड़ देते हैं अभी। अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर के क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 2.25 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 6 नंबर के क्वेश्चन को 2.25 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी एग्जाम अपन कर रहे हैं उसके अंदर 2.25 अपने पास मैक्सिमम टाइम होता है क्वेश्चन को देने के लिए, एक क्वेश्चन को देने के लिए मैक्सिमम अपने पास होता है 2.25 मिनट्स। तो इसका मतलब हो गया कि मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 12, और 12 के अलावा आ जाएंगे इसमें 2.5 के हिसाब से 2 मिनट और, मान लो 13-14 मिनट है अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन जो 6 नंबर का उसको पूरा करने के लिए, तो 13-14 मिनट्स होते हैं, दैट इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन गिव, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, बट मैक्सिमम अपने को देना कितना है, मैक्सिमम 2 ही देना है अपने को, डबल ही देना है, उससे ज्यादा कोशिश नहीं करनी अपने को, कोशिश करनी है कि उससे कम ही टाइम में अपन पूरा कर ले, तो मैक्सिमम डबल। अब अपन ने करा है, मैंने समझाया है, तब जाके अपने को करीब 15-20 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर अपन खुद से सॉल्व करते हैं तो शायद और कम टाइम लगता, तो एक स्टैंडर्ड टाइम के नजदीक है। दूसरी चीज, क्योंकि 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो 2 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं आएंगे एग्जाम में, किसी भी तरीके से 2 एडजस्टमेंट के ऊपर नहीं देगा एग्जाम। 8 नंबर के क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट्स बनते हैं मैक्सिमम, ओके, जिसमें 3 एडजस्टमेंट्स, डेढ़ नंबर का एडजस्टमेंट दे दे, 2-2 का एडजस्टमेंट दे दे, 1-1 एडजस्टमेंट दे दे, कोई बड़ा एडजस्टमेंट 2 नंबर का, बाकी एडजस्टमेंट 1-1 नंबर के दे दे, तो ऐसे करके एग्जाम दे सकता है। बट एग्जाम में क्योंकि 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है तो 6 नंबर के क्वेश्चन की वजह से 2 एडजस्टमेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दो अपन डिफिकल्ट, इससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता ना कि वो कौन से एडजस्टमेंट दे सकते हैं, तो अपन लोग तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपने, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिफिकल्ट चीजों की प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए ईजी होती जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजों की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां तक हो गया कंप्लीट अपना, बस इसका टोटल कर दो, हो गया खत्म, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1,56,000, टोटल कितना आ जाएगा, 106,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 170 नेगेटिव, ठीक है, 170, और ये कितना आ जाएगा, 66,000 नेगेटिव, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ गया 66,000। ये तो हो गया ए, ये इसमें एक ही आइटम था 4,20,000 का, 4,20,000 का सिर्फ एक ही आइटम था, तो ये आ जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नेगेटिव आइटम, नेगेटिव आइटम आ गया कितने का, ठीक है, 4,20,000 का, और इसके अंदर आ जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये आ गया बी आइटम, ये आ जाएगा सी आइटम, और सी आइटम क्या हो गया अपना, नेगेटिव आइटम हो गया, नेगेटिव कितना आ जाएगा ये, व्हाट विल बी द अमाउंट, 4,90,000 में से 36,000 गए तो 4,54,000 पॉजिटिव आइटम आ गया, इट्स अ पॉजिटिव आइटम। अब 454 पॉजिटिव है और 4,20 माइनस कर दो तो कितना आता है, 34,000,
और 36 में से 34 हटाओगे तो 32,000 नेगेटिव आ रहा है। कौन सा? 64 होगा, करेक्ट 64 होगा ये। दिस विल बी 64,000, तो 30,000 नेगेटिव आ रहा है, 30,000 नेगेटिव आ रहा है। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी 30,000 नेगेटिव, ए प्लस बी प्लस सी 30,000 नेगेटिव, ए प्लस बी प्लस सी 30,000 नेगेटिव। ए प्लस बी प्लस सी, डन। वहां 170 की जगह 180 होगा। कहां पे 170 की जगह 180 होगा बेटा? ये 10,000 ऐड है, इसको देखो ऋषि का, यहाँ पे दिस इज 10,000 पॉजिटिव। ओके, ये 10,000 पॉजिटिव है, 180 नेगेटिव है, 180 में से 10,000 माइनस करोगे तो 170 आता है। ओके, समझ आ गया आपको? हाँ जी बोलो। हाँ, ऐड वाला भी साथ में कराए, है ना? ठीक है भाई, कितना हो गया? 30,000 आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कितना आ गया? 30,000 का नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, 30,000। इसमें क्या करेंगे? इसमें नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर में ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। योर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विल बी 3,70,000। ओपनिंग कैश कितना है आपके पास? 3,70,000 का, देख सकते हो 2017 ओपनिंग कैश है 3,70,000 का, तो ओपनिंग कैश है 3,70,000। 3,70,000 इज ओपनिंग कैश, तो क्लोज करो उसको। 3,70,000 में से 30,000 गए तो कितना आता है? 3,70,000 में से 30,000 गए तो कितना आता है? 3,40,000। ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तीन लाख सत्तर हजार कहां से आया? दिस 3,70,000 हैज कम फ्रॉम दिस साइड, ये रहा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इससे आ गया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000, 3,70,000 और फाइनल आंसर इज 3,40,000, और 3,40,000 ये वेरीफाइड हो गया, 3,40,000 यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अगर यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, 3,40,000 नहीं आ रहा, मतलब आपने गड़बड़ करी है। अगर आपका आंसर 3,40,000 नहीं आ रहा, मतलब आपने गड़बड़ करी है। सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका ये आंसर मैच करे हमेशा। आया समझ में यहां तक? चलिए, हाँ ब्लास्ट करा रहा हूं एक 34th का, ये लास्ट 34th का जो ए वाला है, है ना, ये आधा मैं करूंगा, आधा आपको घर जाके करना है। मतलब कैसे? मतलब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको यहां पे एनपीबीटी फॉर्मेट एंड एडजस्टमेंट करवाऊंगा, और आपका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है आपको वो घर पे सॉल्व करना है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स आपको घर पे करने। थोड़ा ब्लरी हो गया ना?
ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर दी फॉर्मेट. क्या बनाना है? फॉर्मेट तैयार करना है. तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसके बाद लिखेंगे एनपीबीटी, फिर यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना सेकेंड, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, CFIA, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और तीसरा क्या होता है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तीन एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, इस तरीके से होता है वो. मतलब एक पेज पे आपको ये और ये बनाना है. मतलब दिस इज 80% 75% पेज, 25% पेज अगले पेज से आधा, फिर आधा पेज करके फिर उसके बाद आपको बनाना है वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी. एनपीबीटी का कैलकुलेशन करना है अपने को. वी हैव टू कैलकुलेट एनपीबीटी. एनपीबीटी कैलकुलेट करना होता है अपने को. वी हैव टू कैलकुलेट एनपीबीटी. अब देखिएगा जरा, हाँ जी देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस आपका 2017 में 20,000 था, जो कि बढ़ के 1,25,000 हो गया, विच हैज नाउ बिकम 1,25,000. तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में यहां तो कुछ नहीं दे रखा है, कोई एडजस्ट वो नहीं है, नोट नंबर नहीं है. तो रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले देखो, 120 से 125 हो गया. तो क्लोजिंग SPL कितना है? क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 125. और ओपनिंग कितना था? ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस अपना 20,000 रुपए. तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 105, 1,05,000 का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो गया. तो रिजर्व एंड सरप्लस अपना 1,05,000 से इंक्रीज हो गया. 1,05,000 से रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो गया. 1,05,000 का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो गया. पहला पॉइंट तो ये हुआ. अब देखना है अपने को TIPP. तो TIPP ढूंढते हैं. ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं है क्योंकि यही खत्म हो गया. ठीक है, आई से इंटरिम डिविडेंड ना, नो इंटरिम डिविडेंड नहीं है. पी से प्रपोज डिविडेंड मिल गया. प्रपोज डिविडेंड 2018 का, 2017 का. मेरे को 2018 के प्रपोज डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है. वो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी, इग्नोर करेंगे उसे. मुझे सिर्फ किससे मतलब है? पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड से, जो कि है 20,000 का. सिर्फ मेरे को पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड से मतलब होता है, जो कि है 20,000 रुपीज. करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड मेरे को लेना देना ही नहीं है. मुझे सिर्फ पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड से मतलब है, जो कि 20,000 है. सर करंट ईयर का क्यों नहीं? क्योंकि वो कंटिजेंट लाइबिलिटी, उसको नहीं दिखाना कहीं पे भी. आपको दिखाना ही कौन सा है? पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड. ये मैंने आपको, जब मैंने आपको चैप्टर चालू कराया था, उसकी स्टार्टिंग की एडजस्टमेंट्स वाली क्लास में ही करा दिया था. स्टार्टिंग की एडजस्टमेंट वाली क्लास में ही समझा दिया था मैंने आपको कि 20,000 का ही एडजस्टमेंट होता है. तो यहां पे आ जाएगा अपना प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर. पी से प्रपोज डिविडेंड, पी से प्रीवियस ईयर, 20,000 रुपए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,25,000. यहां पे आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड 20,000 रुपए पे कर दिया, हाथों हाथ पे भी कर दो उसे, हाथों हाथ उसे पे भी कर दो, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, तो
तो दो जगह दिखाया जाएगा ना, तो एनपीबीटी में ऐड कर दिया और फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया, तभी तो एडजस्टमेंट कहलाएगा वो, तभी तो आप उसे एडजस्टमेंट कहोगे, क्योंकि उसे दो जगह दिखाया जाएगा तभी वो एडजस्टमेंट कहलाया जाएगा। अगर आप किसी चीज को सिर्फ एक ही जगह दिखा रहे हो तो वो एडजस्टमेंट नहीं है। आगे दे रखा है पी, पी आखिरी पी क्या है, आखिरी पी है प्रोविजन फॉर टैक्स। ढूंढो जरा, मिल गया सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, पिछले साल का 10,000, करंट ईयर का 15,000, एडजस्टमेंट है क्या इसके बारे में कुछ? नहीं है सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, बस इसका एडजस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट, पिछले साल का पे कर दिया, इस साल का एड बैक कर देंगे। तो क्या क्या एडजस्टमेंट होता है इसका, करंट ईयर का एड बैक कर दो, पिछले साल का पे कर दो, तो 15,000 तो ऐड कर देंगे। याद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिखता है करंट ईयर का, 15,000 तो ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1,40,000, और 10,000 पे कर देंगे, तो यहां नीचे नीचे आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे लेस टैक्स पेड, कितने का आया, पिछले साल का टैक्स पे करेंगे 10,000 रुपए का। भाई ऐसा होता है, हमारे सामने 2 साल का टैक्स है, पिछले साल वाला पे करेंगे, करंट ईयर का एडबैक करेंगे। ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, कंप्लीट कर दिया अपन ने। 1,40,000 का एनपीबीटी आ ही रहा है पॉजिटिव, 1,40,000 का एनपीबीटी दिखा दो, पॉजिटिव एनपीबीटी मतलब 1,40,000 का एनपीबीटी, 1,40,000 का एनपीबीटी आ गया, खत्म कर दिया ये सब अपन ने। हाँ जी सर, एनपीबीटी आ गया, हाँ जी सर आ गया, एनपीबीटी हो गया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का काम, प्रपोज डिविडेंड का काम हो गया, हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज कर लिया, कर लिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन साथ में दिखा दिया, दिखा दिया, ये सारी चीजें तो एक साथ ही हो गई। सबसे अच्छी बात यह है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अमाउंटेड टू ₹8,000, इंटरेस्ट कितना पे करना है, 8,000 का इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,000 रुपए ऐड करेंगे यहाँ पे, और दो जगह दिखाते हैं ना एडजस्टमेंट को, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,000 रुपए, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,000 रुपए, इसको यहाँ दिखा देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दोनों एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर डन विद द एडजस्टमेंट पार्ट, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया अपना, सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लो एक बार, 50,000 से कितनी हो रही है, 75,000, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25,000 से इंक्रीज हो रही है, 25,000 से इंक्रीज हो रही है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगा 25,000। बट सर इसको दो जगह क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है भाई, एडजस्टमेंट तो इसका इंटरेस्ट है, दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इसको एक ही जगह दिखाया जाएगा, ये एक ही जगह आ रहा है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर होने वाला खर्चा, ये एडजस्टमेंट थोड़ी है, एडजस्टमेंट आप एक्सपेंसेस का करोगे, ओके तो इसीलिए एडजस्टमेंट उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट नहीं होता, ये एक बैलेंस है कि इंक्रीज हो रहा है, सिंपल 25,000। सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, शेयर कैपिटल सेम है तो उसका कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एक लग जाएगा, ये हो ही गया। ट्रेड पेबल्स 90 से 64 हो गए, यानी कि ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे माइनस, माइनस हो जाएंगे क्योंकि 90 से 64 हो रहे, गिर गए। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बता ही दिया, फिक्स्ड एसेट्स 184 से 323 हो रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स देख लो यहाँ पे 220 से 375, और ये हो गया ये, तो इन दोनों का डिफरेंस तो हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा परचेस, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये तो हो गया परचेस, परचेस का क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये आ गया इंक्रीज, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं सबको पता है, प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर इन्वेंट्री 50,000 से 72,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, अदर करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस, खत्म बात, यह हो गया कंप्लीट।